मैं इस वक्त साथ ही यौम दफा का भी पाकिस्तानी कौम को मुबारक देना चाहता हूँ कि हम जो इस वक्त अपने शहीदों को सलाम पेश करना चाहते हैं जिन्होंने मुल्क के लिए जान कुर्बान की, और साथ ही मैं अपनी इस आपकी इस खावश को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ इस इवेंट का इनकार किया और यहाँ सारे एजुकेशन के लोगों को इकट्ठा किया, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। तो अल्लाह ताला ऐसे इवेंट हमें करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग ट्रैफिक वाले काम करते हैं, भी मिलूंगा और मैनेजमेंट मिलूंगा, सड़कों की भी रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। जैसे हमारी तंग सड़कें हैं, ट्रैफिक बढ़ रही है, आप लोगों का बहुत अच्छा इंतजाम है। अगर ये ना हो तो बिल्कुल रुके रहे हैं, लेकिन आप लोगों की बड़ी काबज है। इसमें मेरा अदारा जहाँ भी आप लोगों को जरूरत होती है, कोई बोर्ड बना देता है, कोई ट्रैफिक सिग्नल्स पे हम लोग काम करते हैं आपके साथ, तो जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े तो हम आपके साथ हैं। लेकिन मैं आप लोगों की काबज को और आप लोगों की इस मेहनत को दाद देता हूँ, और आप इसी तरह मेहनत करते रहेंगे ताकि हमारा शहर रवान दवा रहे। तो आप जो रेडियो जी, बिल्कुल, जब हम बात कर कार में होते हैं तो आपका चैनल लगाते हैं तो उसमें सिग्नल से हमें पता चलता है, आपके जो ही रेडियो पे सिग्नल आते हैं तो पता चलता है फलां सड़क बंद है, तो वहाँ जरा थोड़ा 10 मिनट लेट है तो हम दूसरा रोड इख्तियार करते हैं। मेरी मुल्तान की आवाम से है कि ये लगा लिया करें तो इससे आपको जल्द पहुँचने में मदद मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस हमारी बहुत मदद करती है हमारी, लेकिन हम इंशाल्लाह मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सड़कें बेहतर करें, इनको एक बेहतर माहौल दे ताकि ये लोग भी बेहतर काम कर सकें, तो इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब हो जाएंगे और आप लोगों को भी बेहतर सर्विस मिलेगी और अल्लाह आपको इसका अजर भी देगा जो आप अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।